धीरज टेस्ट करके बताएगा। धीरज अभी तो मतलब शाम को और भी चीजें बनेंगे, तो तुम रुके हो ना शाम तक, तो देखते हैं। धीरज कह रहा मैं जा रहा हूँ, साक्षी खाना तो ही बनाएगी अब सारा। तो मन करता नहीं है शूट करने का, पता नहीं आजकल गायब रहता है, लड़कियों से बातें करता रहता है, इसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। मैं खा रही हूँ, साक्षी बाय द वे गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स। सो गाइस यहाँ से रास्ता रिवर की तरफ जाता है, तो आज की पहली जो प्लेस है मैं आपको यहाँ की रिवर दिखाऊंगी। लाए हो? अच्छा मैं डाल ही लेती फिर। आगे से है या यहाँ से है? यहीं से है ना, मैं बहुत टाइम बाद नीचे उतर रही हूँ इस जगह से। आप वाटर फ्लो चेक कर सकते हो कितना तेज है। हेलो, सो गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पे वाटरफॉल। और लास्ट ईयर तक यहाँ टिकट नहीं थी, अब यहाँ टिकट हो चुकी है। मतलब मैं लास्ट ईयर जनवरी में टिकट नहीं थी, एंड अब हो चुकी है। सो जब भी वाटरफॉल यहाँ का एक कॉमन टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है, और यहाँ पे अब सेलिंग वाली चीज़ें भी बन चुकी हैं। मतलब पहले यहाँ पे कुछ सेल्स एंड ऑल वाला चीज़ नहीं था, बट यू नो प्लेसेस चेंज हो चुकी है। सो गाइस पहले यहाँ पे टिकट नहीं थी इस जगह की, बट यहाँ पे अब टिकट हो गई है 20 रुपये पर बंदा। पर इनको मेंटेनेंस भी तो करनी चाहिए ना टिकट के हिसाब से। सफाई नहीं है एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट यार कूड़ा नहीं है। कूड़ा जलान हो गया पिछली बार तक, वो देखो ना तुम्हारा कूड़ा ये रहा, तुम्हें नाम लिया मिल गया। नहीं तो लास्ट ईयर हम आए थे ना, लास्ट ईयर यहाँ लोग दारू पी रहे थे। अच्छा, नहीं कुछ नहीं किया उस टाइम तो, पर संडे को अभी भी कहते हैं दारू पीते हैं। पीते होंगे यार, करो पीते हैं। सो गाइस ये रास्ता कुलिक तांदी की तरफ जाता है। कुलिक तांदी वैसे लोग यहाँ पे इस जगह को मिनी थाईलैंड कहते हैं, बट नहीं यार ये जगह कुलिक तांदी खिलाई जाती है। तो मतलब यहाँ के जो लोग एक्सप्लोर करने आते प्लेसेस मोस्टली ये चीज़ बोलते हैं कि मिनी थाईलैंड है, बट नहीं गाइस। तो मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहूँगी, ऊपर लिखा भी है बोर्ड पर दैट्स एक्चुअली कुलिक तांदी। और अगर आप पार्क कर रहे हो तो आपको मेन रोड के साइड में ही पार्किंग देखनी पड़ेगी, और आपको एटलीस्ट जो वॉक करना है वो 5 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, कुछ ही मीटर्स का। सो रोड अगर आप इसके साथ साथ चलोगे ना, तो इसके लिए बोर्ड भी रखा हुआ है, तो आप पाइपलाइन दिखेगी आपको गैस की, उसके पास ही आपको बैक साइड से रास्ता दिखेगा कि इस तरह पहुँच जाओगे आप लोग। सो एक्चुअली मैं कुलिक तांदी पहुँचने के बाद आपको ये व्यू दिखेगा, एंड
सच बताऊँ तो फोटोग्राफी के लिए उन्होंने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे कुछ पास्ट की स्टोरीज भी है पांडव की, बट आई एम नॉट श्योर। सो आप चप्पलें उतार सकते हो एंड यू कैन जस्ट गो इनसाइड द वाटर एंड यू कैन जस्ट क्रॉस इट, एंड दूसरी साइड से जो व्यू होगा वो बहुत मार्वलस होगा। सो फाइनली पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है, उधर से आ जा तुम गाइस, पानी बहुत ठंडा है। देखो एक्चुअली में पानी बहुत ठंडा है, बस आज निकर पहनने का फायदा ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। ठंडे ठंडे पानी में मैं नहा ली हूँ, आज ग्लेशियर का डायरेक्ट पानी आ रहा है। तो हम क्विज करते हैं अब राकेश फोटोग्राफर के साथ। राकेश अबे कहाँ चला गया यार, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना गाइस, ये आओ राकेश इसका नाम क्या है, नदी का नाम क्या है भूल गया, क्यों भूल गए? तो जब भी मैं नदी है अगर कोई कमेंट्स करके बता सकता है कि इस नदी का नाम क्या है, नहीं तो मैं वीडियो के एंड पे जरूर शेयर करूंगी कि इस रिवर का नाम क्या है। मिडल ऑफ नोवेयर करते हुए, और अगर ये पानी में फिसला तो मैं इसको बचाने नहीं जा सकती हूँ। बोला अभी तो ये इजी वे है राकेश, आराम से। सो आप ऐसी हरकतें ना करो बिल्कुल भी, जैसे राकेश कर रहा है बिल्कुल भी मत करना, ये आज कुछ तूफानी करते वाला सीन कर रहा है, तो आप लोग मत करना, आप बिल्कुल सिंपल रास्ते आना। और आप अगर इवनिंग व्यू में कहीं बैठना चाहते हो, जैसे कि इवनिंग हो चुकी है, टाइम हो रहा है 7 के आसपास, और हमें पार्किंग बहुत टफ मिली है। एक्चुअली मैं यहाँ गाड़ी नीचे तक आती है तो मैं हूँ कैफे बेला सो मैं हूँ कैफे बेला, और यहाँ का ये अच्छा कैफ़े इसमें से एक है। हाँ तो एक्चुअली बॉस कैफ़े बन चुके हैं, पर कैफ़े बेला एक पुराना कैफ़े इसमें से एक है, और यहाँ का फूड बहुत अच्छा होता है। सो आई एम गोना ट्राई यहाँ का फूड, और ये मेरी दिन की लास्ट डेस्टिनेशन है। आज मैं रेस्ट लिया, कल आपको मैं और जगह दिखाऊँगी ऑब्वियसली। अब तो मुझे ठंड लगने लगी, गाड़ी से जैकेट लानी पड़ेगी। लेट्स ट्राई सम क्रूजिंग यहाँ का, और आपको पता है कि वो वाला जो रास्ता है वो भी आ रहा है, जो पुल आपको दिख रहा है। यहाँ का मेन्यू बहुत रीजनेबल है, सो यू कैन एक्चुअली ट्राई द फूड हियर। सो गाइस दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली यू नो वी हैव ऑर्डर्ड, लेट अस ट्राई, फिर आपको बता दें कैसा है। एंड दिस इज मतलब इसमें हम लोगों ने ऐड कराया मशरूम्स, अनियन, कैप्सिकम, और एक चीज़ और ऐड है ऑलिव्स, आई गेस नहीं दिख रहे मुझे ऑलिव्स, नहीं रही रहे ऑलिव्स। सो बहुत भूख लगी है यार, इसमें आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ इसके साथ, और इतनी ब्यूटीफुल लाइट्स के साथ। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वो जो रिवर थी उसका नाम पुष्पभद्रा था, एंड जिसने कमेंट करा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और नई जगह के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लव इन माई चैनल, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, पता है ना 5,000 सब्सक्राइबर देर इज़ अ गिव अवे, तो कर दो सब्सक्राइब फटाफट जाके।